हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पापा, अच्छा कि आप दोनों वहीं रुक गए। इतनी रात को ट्रैवल करना ठीक नहीं है, और वैसे भी बाकी के एंगेजमेंट कार्ड बांटने आप दोनों को फिर से वहां जाना ही पड़ता ना। ओके, अपना ध्यान रखिएगा। गुड नाइट। पापा, मैं ठीक रहूंगी, डोंट वरी। जल्दी से मुझे गार्डन में आके मिलो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। हेलो हेलो, प्राइवेट नंबर कौन हो सकता है? ये जरूर सिद्धार्थ नहीं रखा होगा। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ अब बाहर आ जाओ। नॉट रीचेबल। चलो खोल के देख लेते हैं। सीआईडी की तरफ से ऑर्फनेज में पैसे भेजने वाले थे, भेज दिए? हाँ सर, पहुंच गया, वहां से फोन भी आ गया है। अच्छा सर, वेरी गुड। सर प्लीज प्लीज सर, उसे बचा लीजिए, प्लीज जल्दी कुछ कीजिए, उसे बचा लीजिए सर। एक मिनट, आप जरा शांत हो जाइए। क्या है और आप कौन है पहले बताओ? सर मेरा नाम दीपाली है सर, उसकी जान को खतरा है सर, प्लीज जल्दी कुछ कीजिए, नहीं तो वो मर जाएगा। किसकी जान को खतरा है, कौन मर जाएगा? सर विशाल, विशाल मर जाएगा सर, उसका खून होने वाला है। खून हो जाएगा, लेकिन ये विशाल है कौन? विशाल कबड्डी का एक खिलाड़ी है। नमस्कार दोस्तों, हर साल की तरह इस साल भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने आपके लिए कबड्डी के मैचेस का आयोजन किया है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, आज का जो फाइनल मैच है
वो टीम एस यानी कि CRC वर्सेस बी यानी कि हंटर्स के बीच होगा। हंटर्स के बहुत चहेते खिलाड़ी विशाल अरे सर, विशाल तो कबड्डी का स्टार है, स्टार। हाँ सर भाई, भाई प्लीज बचा लीजिए सर उसको। कौन मारना चाहता है विशाल को? सर मैं खुद उसका खून करना चाहती थी। क्या तुम मारना चाहती थी उसे? हाँ सर, उसे मारने के लिए मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट किलर को अप्रोच किया था सर। वो किलर अब तक वहाँ पहुँच गया होगा सर। कहाँ विशाल है, कहाँ इस वक्त? सर वो भी स्पोर्ट्स क्लब में, मैच थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा। विशाल का नंबर दो जल्दी। 1100-44-568। एक बात बताओ, पहले तुम विशाल को मारना चाहती थी, उसके लिए तुमने किसी को कॉन्ट्रैक्ट भी दिया, और अब तुम उसे बचाना चाहती हो। क्या है ये तुम्हारा खेल है? सर मैं उस वक्त गुस्से में थी, फिर मैंने सोचा कि मुझे किसी की जान लेने का कोई हक नहीं है। सर प्लीज, प्लीज सर उसे बचा लीजिए, उसे कुछ नहीं होना चाहिए, प्लीज सर। सर रिंग जा रहा है और विशाल फोन नहीं उठा रहा है। सर वो मैच में होगा। और ये मैच कहाँ पर है? कोशिश लेकिन कोशिश नाकाम। हंटर्स टीम के साथ 2-0 की बढ़त से हंटर्स की टीम आगे चल रही है, और CRC की टीम अभी भी सोच रही है और आत्मविश्वास कहीं ना कहीं उनका गिरता हुआ।
एक बात समझ में नहीं आई, क्या वजह हो सकती है कि दीपाली ने विशाल को मारने की सुपारी दी? कोई ना कोई तो बड़ी बात होगी दया, जो दीपाली ने अभी हमें बताया नहीं। सर, विशाल का फोन बच तो रहा है लेकिन वो उठा नहीं रहा है। हो सकता है उसने अपना मोबाइल साइलेंट मोड पे रख दिया हो। ये खेलते वक्त भी साथ में मोबाइल तो रखते नहीं, हो सकता खेल रहा हो। अभिजीत, कहीं ऐसा तो नहीं कि खूनी ने अपना काम। सिग्नल है यहां पे तो लेफ्ट से ले लेते हैं। कबड्डी थैंक गॉड विशाल को कुछ नहीं हुआ है। सचिन, अनाउंसमेंट करो खेल रोकने के लिए जल्दी। चलिए पता करो यहाँ पे वो कांटेक्ट किलर कौन है, ढूंढो पूरे स्टैंड पे चेक करो जल्दी। मैं यही कहना चाहूंगा इस वक्त सीआरसी की टीम को कुछ चमत्कार करके दिखाना होगा तभी वो ये फाइनल अपने नाम कर सकते हैं, नहीं तो विशाल जी। देखिए मैं सीआईडी से हूँ, कुछ जरूरी अनाउंसमेंट करनी है प्लीज। पीछे दोस्तों, आज का ये मैच थोड़ी देर के लिए रोका जा रहा है। और इसकी क्या वजह है ये हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। विशाल, विशाल, ये तुम्हारे क्या 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 किया तुम लोगों ने इसके साथ आ? क्या किया? ए, कहाँ जा रहा है? ए, रुक! ए! शरीर पे गोली लगने का या कोई और घाव कहीं दिख नहीं रहा। इसकी मौत हुई कैसे? पटोसा,
शायद किसी ने इसे कोई जहरीली चीज खिला दी हो जिसका असर पूरा होते ही इसकी मौत हो गई। गले पे क्या है? रैशेस? ओह नो। सर कहीं इन्हीं रैशेस की वजह से तो इसकी मौत नहीं हुई? कुछ कह नहीं सकते, पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। सर ये मेरे हाथ पर क्या हो गया? सर इनके हाथ पे भी बिल्कुल वैसे ही रैशेस। पता नहीं मुझे क्या हो गया सर। तुम्हें नहीं मालूम क्या हो गया? ये भोले बनने का नाटक मत करो। तुम सबने मिलके मारा विशाल को। सबने कुछ नहीं किया सर। अगर तुम लोगों ने कुछ नहीं किया तो तुम्हारे हाथों पे रैशेस कैसे? तो विशाल के शरीर पे। नहीं किया सर, आप लोगों ने कुछ नहीं किया सर। सब बहुत कुछ नहीं हो रहे सर। सर ये सब लोग तो वैसी मुसीबत के मारे हैं। ये लोग खून नहीं कर सकते। तुम्हारे सलाह की जरूरत नहीं है हमें, समझे? छोड़ो मुझे, छोड़ो। सर सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ भी नहीं किया सर। कुछ नहीं किया तो भाग क्यों रहा था? सर सर मैंने जानबूझकर नहीं मारा सर, हम लोग खेल खेल रहे थे। और गला दबा के मारने वाला था तू? नहीं सर, मैंने उसे जानबूझकर नहीं मारा सर। क्या सर, मेरे हाथों में एक अजीब सी खुजली हो रही है। सर नाटक कर रही है। नहीं सर नाटक नहीं कर रहा, अब देखिए सर मुझे जलन हो रही है सर। हाँ ठीक है ठीक है, चल इधर चल। सर आप देखिए तो सही। सर मुझे हॉस्पिटल ले चलिए सर, बहुत खुजली हो रही है मेरे हाथों में, एक अजीब सी जलन हो रही है सर। सर मुझे हॉस्पिटल ले चलिए। ये आदमी गला दबाने के मारने की कोशिश कर रहा था। ये नहीं अभिजीत, विशाल की मौत गला दबाने की वजह से नहीं हुई है। लगता किसी ने इसे जहर दिया है। इसके शरीर पे रैशेस है और इन लोगों के हाथों पे भी रैशेस है। रैशेस? हाँ रैशेस तो इसके हाथ में भी है। मतलब इन चारों ने मिलके मारा है? नहीं, कुछ नहीं किया। प्लीज सर हमें हॉस्पिटल ले चलिए सर, बहुत जलन हो रही है सर, बहुत खुजली भी हो रही है सर। ये चारों के चारों सब नाटक कर रहे हैं बचने के लिए। नहीं सर, कुछ भी नहीं किया सर। तुम सबका इलाज होगा, चलो चलो बाहर, चलो हाथ मत लगाओ शरीर से, चलो 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 अंदर आ, संभाल के डॉक्टर के पास ले जाइए सर। सर ये सब हमें ना हो जाए, कुछ नहीं हो रही है सर। देखो तुम लोग अपने हाथों को शरीर से टच मत करो। बचा ली सर, हम मरना नहीं चाहते। अपने मरने की फिक्र हो रही है, दूसरों को मारते वक्त एक बार भी नहीं सोचा तुमने? अरे अभिजीत क्या है, कौन है ये लोग? सर इन लोगों ने एक आदमी का खून किया हुआ है। क्या? इनके हाथों पे देखिए सर, ये रैशेस। शायद उस जहर की वजह से जिससे इन लोगों ने विशाल को मारा है। मतलब? सर जब हम लोग ग्राउंड में पहुंचे तो विशाल इन लोगों के साथ खेल रहा था। जैसे ही इन लोगों ने विशाल को पकड़ा, उसको 2 मिनट के अंदर ही विशाल की मौत हो गई। वैभव तारिका देखो जरा, इन लोगों के शरीर पे और भी कई रैशेज हैं क्या? क्या तारिका है कहीं? नहीं सर, और कहीं नहीं। अभिजीत इनके सिर्फ हाथों में रैशेज हैं। मुझे लगता है इन्होंने मरने वाले को अपने हाथों से जहर दिया है। वैभव एक काम करो, इनकी स्किन टेस्ट करनी है, जरा इक्विपमेंट लेके आओ। सचिन इन लोगों को यहाँ लाइन पे खड़ा करो। चलिए चलो आ जाओ, खड़े जाओ सीधा, क्विक क्विक, चलो हाथ दूर, हाथ मत लगाओ, हाथ मत लगाओ भाई। हाँ एक मिनट एक मिनट। मैंने तुमसे पहले ही कहा था विशाल के पीछे मत पड़। अरे मुंह बंद कर अपना, तू भी तो उसे सबक सिखाना चाहता था ना। लेकिन मैं उसे मारना नहीं चाहता था। आइए बॉडी को इस तरफ लाइए,
यहाँ रखिए प्लीज। सचिन इनकी तलाशी लो, देखो कुछ छपाया तो नहीं इन लोगों ने। हाँ तो फिर करो सीधे खड़े। सब कहीं इसकी वजह से तो मौत नहीं हुई है? अभिजीत ये क्या तुम्हारे हाथों पे? ऐसा कौन सा जहर खिलाया था विशाल को तुम्हारे इस कॉन्ट्रैक्ट किलर ने जो 2 मिनट में उसकी मौत हो गई? सर मुझे नहीं पता था कि वो विशाल को कैसे मारने वाला था। वैसे कितने लोगों को सुपारी दी थी तुमने विशाल को मारने के लिए? सर सिर्फ एक ही था। तो स्कूल में 4 लोग कहां से आ गए? मैम मुझे नहीं पता, मुझे सच में नहीं पता है कि उस खूनी ने विशाल को मारने के लिए कितने लोगों को भेजा था। बकवास बंद करो, क्यों मारना चाहती थी तुम विशाल को? सर हम दोनों मिलकर कपड़े का बिजनेस कर रहे थे और वो मुझे धोखा दे रहा था, सारे पैसे लेकर भाग जाना चाहता था और ऐन मौके पर मुझे ये पता चल गया, इसलिए मैंने ये सोचा। तुमने सोचा कि क्यों ना विशाल को मार दिया जाए? हाँ इतनी सस्ती लगती है तुम्हें लोगों की जिंदगी? मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, इसलिए मैं आप लोगों के पास भाग कर चली आई। सुन लिया, हमारी मदद मांगने आई थी विशाल को मारने के बाद। सहानुभूति चाहिए थी तुम्हें है? उल्लू समझ के रखा है हमें। उन्हीं का आता पता मालूम है? नहीं सर। तो फिर सुपारी के पैसे कैसे दिए तुमने? से सर वो लंबर ने कांटेक्ट करवाया था। सर लंबर ने कॉन्ट्रैक्ट किलर का नंबर दिया? कौन है ये प्लंबर? कौन है? सर वो प्लंबर मेरे घर पे नल ठीक करने के लिए आया था, उसी ने कहा था कि अगर कोई उल्टा सीधा काम कराना हो तो मैडम मेरे पास एक आदमी है, आप बताना मुझे। प्लंबर ने कहा? कहां मिलेगा ये प्लंबर? इस पानी में जो केमिकल है ना, इससे जहर का असर खत्म हो जाएगा और ये रैशेस भी ठीक हो जाएंगे। अब जी तुमने पहले क्यों नहीं बताया अगर जहर का असर बढ़ जाता तो? एक्चुअली मुझे पता ही नहीं चला। हो सकता है ये जहर मुझे तब लगा हो जब मैं विशाल की बॉडी चेक कर रहा था। तारिका जी अब तकलीफ थोड़ी कम हो गई है। भाई साहब तकलीफ और बढ़ गई है। क्या मतलब सर? मतलब यहां दिखेगा, ये देखो अभिजीत, उस डिब्बे में जहर नहीं स्टेरॉइड्स है। ताकत के लिए लिया जाता है वो। सर आपको तो पता चल गया सर कि हम लोग
बेकसूर है सर, तो हमें जाने दीजिए प्लीज। देखिए कसूरवार कौन है बहुत जल्द पता चल जाएगा, लेकिन तब तक आप लोग हमारी निगरानी में रहेंगे, आप कहीं नहीं जा सकते। यही जगह बताया था ना? हाँ सर, मैंने फोन किया तो उसने कहा कि यहाँ का काम खत्म करके आता हूँ। अच्छा क्या पता बताया, अब साथ में ले चलते उसे मरम्मत के लिए। कौन है आप लोग, किससे मिलना है? आपके घर में प्लम्बिंग का काम चल रहा है, हम उसे लेने आए। क्यों भाई, हमारा काम हो जाने दो ना, फिर ले जाना उसे। हम लोग CID से। CID? जी हाँ, प्लम्बर कहाँ है? वो अंदर है, पंप हाउस में काम कर रहा है। अरे प्लम्बर साहब कहाँ जा रहे हैं, चलिए आपको लेने आए हैं। क्या हुआ, चलना नहीं है? हाँ चलो। पीछे पीछे कहां तक जाओगे प्लम्बर साहब, चल। अरे ऐसे कैसे छोड़ दे, इतना सारा पानी बर्बाद कर दिया तुमने, पानी की कीमत जानते हो तुम? दो दिन से मेरे घर में पानी नहीं आया। रेडी, वॉचमैन को बोल के पानी बंद करवाओ। ये तो बात ही उल्टी हो गई भैया। खिलाड़ियों के हाथों से विशाल के शरीर में जहर नहीं गया है, बल्कि विशाल से खिलाड़ियों के हाथों में जहर गया। कमाल है, लेकिन विशाल के पास से कोई जहर था नहीं, हमने अच्छे तरीके से चेक किया था। और पोस्टमार्टम से पता चला है कि इसने कोई जहरीली चीज भी नहीं खाई थी, जहर इसके शरीर में बाहर से आया था। और डॉक्टर साहब इसके शरीर पे जो रैशेज हैं वो शरीर के ऊपरी हिस्से पे हैं, यहाँ इधर पैर पे बिल्कुल भी रैशेज नहीं है। और चेहरे पर भी नहीं। और तो और सर, इसके पूरे शरीर पर किसी भी और तरीके के घाव या चोट के निशान भी नहीं है। राइट। और इसकी हड्डियां भी बिल्कुल सही सलामत है। मगर हम तो सोच रहे थे कि विशाल की मौत खिलाड़ियों के हाथों से पिटने से हुई, इसका मतलब खिलाड़ियों का कोई हाथ नहीं विशाल की मौत। नहीं सच, बिल्कुल हाथ नहीं। मुझे लगता हुआ ये होगा कि जैसे ही खिलाड़ियों ने इस विशाल को छुआ उनके हाथों पे जहर आ गया। अब मगर जहर हाथ पे आया कहां से, रैशेज ऊपरी बॉडी पे है और सर जहर कहीं टी शर्ट के अंदर तो नहीं, तो उसके शरीर पे वहीं पे रैशेस है जहां पे टी शर्ट होती है। राइट। इसका मतलब इस टी शर्ट को चेक करना चाहिए। नहीं नहीं, मुझे यहीं बैठना है। बैठ कुर्सी पे, बैठ। नहीं नहीं साहब, मैं ठीक हूं, मुझे यहीं रहने दीजिए। सर ने बोला ना कुर्सी पे बैठ, समझ नहीं आ रहा तेरे? चल धुलाई रूम में चल। वाणी साहब, वाणी साहब, मुझे यहाँ बैठना, मुझे यहाँ बैठना। जल्दी से बता, खूनी को कैसे जानते हो? जेल से। जेल से? हाँ साहब, साहब एक बार मैं एक घर में चोरी करते वक्त पकड़ा गया और जेल चला गया, वहां मुझे जगीरा मिला था, तब से मैं जानता हूँ उसे साहब। कहाँ रहता है ये जगीरा? साहब पता नहीं साहब। चुप, पता नहीं, मिलते कैसे हो फिर उसे? साहब बाहर आने के बाद मैं एक बार भी उससे नहीं मिला, सिर्फ फोन पर बात होती है। फोन पर? क्या नंबर है उसका? नंबर इसमें है साहब। देखो क्या नंबर है, जल्दी से फोन लगा के देखो कहाँ पर है ये। तो जगीरा का फोन अभी कवरेज एरिया से बाहर है, लेकिन इससे पहले वो मुंबई में कहां कहां था इसका पता चल गया। ये देखिए सर, ये सारे डॉट्स
वो लोकेशंस हैं जहां पर जगीरा गया था। दया, ये तो कबड्डी स्टेडियम है और यहां पर मैच हो रही थी तब जगीरा वहां पर था। सर, जगीरा इस इलाके में अक्सर जाता रहता है। इस महीने 7 दिन गया था वहां। हो सकता है जगीरा इसी एरिया में रह रहा हो या फिर। अभिजीत, सचिन ये मास्क पहन लो, इस केमिकल के फ्यूम्स बहुत जहरीले होते हैं। देखो अभिजीत, टी शर्ट पर ये दाग दिखाई दे रहे तुम्हें? ये जहर के ट्रेसेस हैं। हाँ अभिजीत, ये दाग जहर के ही ट्रेसेस हैं। जहर टी शर्ट पे से ही आया है। अभिजीत, इस टी शर्ट पर जहर पहले से लगा हुआ था। अच्छा, मतलब मैच शुरू होने से पहले जैसे ही विशाल ने ये टी शर्ट पहनी, जहर उसके शरीर में फैलने लगा और मैच के दौरान जहर ने अपना काम कर दिया। बिल्कुल। डॉक्टर सालुंग, ये कौन सा जहर है? Exactly कौन सा जहर है ये तो टेस्ट करने के बाद ही पता लगेगा, लेकिन ये पक्का है कि जहर बहुत खतरनाक है। लेकिन सर, ये जहर विशाल की टी शर्ट में कब और कहाँ रखा गया होगा? इसका पता तो अब स्पोर्ट्स क्लब जाके ही लगेगा। भाई सर, इस आदमी को देखा, पहचानते हो? क्या काम है इससे? हम लोग सीआईडी से। आप इसे कौन नहीं जानता है? ये तो जगीरा है। कहाँ मिले गए? बगल वाले बार में अक्सर आता रहता है। देख लीजिए साहब वहाँ। थैंक यू सर। टी शर्ट में जहर कैसे हो सकता है ये तो आप बताएंगे। मगर सर, सारे टी शर्ट तो नहीं थे और डायरेक्ट सप्लायर के पास से आए थे। फिर तो पक्का टी शर्ट में जहर यहाँ लगाया गया है लॉकर रूम में, विशाल के टी शर्ट पहनने से पहले। मगर यहाँ टी शर्ट पे जहर कौन लगा सकता है? वही कर सकता है जिसने लॉकर में टी शर्ट रखी। सर, सारे टी शर्ट मैंने ही रखे थे सर, लेकिन मैंने किसी भी टी शर्ट में जहर नहीं मिलाया सर, कसम से। तो फिर कोई बाहर वाला? नहीं मैम, मेंबर्स और खिलाड़ियों के अलावा लॉकर रूम में आने की इजाजत किसी को भी नहीं है सर। साहब के साहब के मुताबिक जहर का असर 2 मिनट में हुआ। विशाल ने टी शर्ट पहनी, बाहर गया, खेलना शुरू किया, उसके बाद उसकी मौत हुई। इन सब में तो 10 से 20 मिनट लगे होंगे। हाँ सर, इतना समय तो लगा ही होगा। वही तो, साहब के साहब ने कैसे 2 मिनट का टाइम बता दिया? मुझे तो लगता है कि साहब के साहब ने गड़बड़ कर दी। साहब के साहब ने गड़बड़ कर दी, यही कहना चाहते हो ना तुम अभिजीत? नहीं नहीं, ये मतलब नहीं था। मेरा मतलब ये था सर कि विशाल के टी शर्ट पहनने के बाद उसकी मौत में करीब 10 से 20 मिनट लगे होंगे। हाँ होगा, जरूर होगा, क्योंकि टी शर्ट के जहर को विशाल के पसीने से मिलने में 15-20 मिनट का वक्त लगा। और जैसे ही टी शर्ट का जहर विशाल के पसीने से मिला, 2 मिनट में विशाल की मौत हो गई। 2 मिनट में। तो फिर जहर टी शर्ट में आया कहां से? विशाल का लॉकर चेक करना हमने। विशाल के लॉकर की चाबी लेके? नहीं, तुमने। तुम ये रुको, आप जाइए। शॉट। छुट्टे नहीं है,
सॉरी भाई, टिप कर ले लेना। देना लेना कुछ नहीं, हमेशा ऐसे रुका के रखता खाली पकड़ में। जगीरा आया क्या? नहीं सर, जगीरा तो अभी आया नहीं, लेकिन उसका दोस्त बैठा है कोने वाली टेबल पे, वो रहा। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है सर। ओ भाई साहब कहाँ है? अरे साहब यही तो बैठा था। यहाँ पे बैठा था? ओ ये बैठा नहीं है, ये तो लेटा है। ठीक है, लेटने का मजे कुछ है साहब। सही कहा तुमने, पीने के बाद लेटने का मजा ही कुछ है। सर अभी अरे नहीं, ऐसा सुना है मैंने कि पीने के बाद लेटने में बहुत मजा आता है। ए, भाई साहब जरा उठिए उठिए उठिए। अरे भाई साहब भाई साहब, अरे उठो, हमें आपसे बात करनी है। हमको तो पीनी है पीनी है, हमको पीनी है। हमका बात करनी है बात करनी है बात करनी है, बाद में पी लेना, पहले ये बता जगीरा कहाँ है? जगीरा जगीरा जिगर में है। अबे जिगर विगर छोड़, ये बता जगीरा का घर कहाँ है, वो रहता कहाँ है? एड्रेस मालूम नहीं साहब, लेकिन घर घर मालूम है। अरे तो लेके चलो, मैं चलो। अभी अपन बहुत बिजी है साहब, कल आना। कल नहीं, आज अभी हमें उसके घर लेके चल, हम लोग सीआईडी से समझे। पंकज देगा, सीआईडी का नाम सुनते ही डर गया। ये डर नहीं गया सर, ये तो सो रहा है। सो रहा है? ए, 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 उठ जा, अरे उठ जा। पंकज इसे किसी भी हाल में बाहर ले जाना है, मालूम है ना दया सर ने क्या कहा था? कुछ दिमाग लड़ो ना सर। आइडिया, आप उसको वहां से खींचो, मैं यहां से धक्का मारता हूं। हाँ एक मिनट खींचो, एक मिनट। अरे निकल, ये उठ जा, उठ जा, निकल। अरे अटक गया क्या? सर ये नहीं उठेगा। अरे ये नहीं उठा तो हम उड़ जाएंगे। अरे कुछ दिमाग लड़ा, क्या करें? आईडिया, पानी पानी, ये लो पानी मारो उसके मुंह पे। अरे सर पानी पिलाओ मत उसको, मारो चम्मच से पानी का पिला रहे हो, उसके मुंह पे मारो। अरे उठ जाओ, उठ जा, उठ जा। सर ये लंबा निकल गया। लंबा गया तो हम गए समझो। एक मिनट, एक काम करते इसको बाहर निकल पहले। शाबाश, चलो आ जा सर, चल। तेरा पेट बढ़ गया समझे? अरे अरे लो फ्रेडी, इसे क्या कुछ बताया इसने? अरे कहां से बोलेगा सर, ये तो उठ ही नहीं रहा है। सर वेटर ने बोला एक बार दारू पी के अगर सो गया तो 3 दिन तक नहीं उठता है, अब क्या करें सर? क्या खुशबू आ रही है? जगीरा, दारू। पहले जगीरा का घर, बाद में सब कुछ। पक्का? बिल्कुल। ठीक है चलो। फॉर्मूला नंबर 42, शराबी को उठाना है तो दारू सुखाओ।
शराब पीने वाले को शराब ही उठा सकती है। उठ, उठ। ओ भाई, बताएगा जगीरा का घर कहाँ है या ऐसे घुमाता रहेगा तू? क्या साहब, अभी भाई बोला है तो भाई के ऊपर भरोसा भी रखने का ना साहब। अरे भरोसा किया है तभी तो तुम्हारे पीछे आ रहे। हाँ तो साहब, मैं भी आपको किधर घुमा रहा हूँ, वो देखो वो दूसरा दरवाजा जो है ना, वो जगीरा के महल का है। ये महल है? अब साहब क्या फर्क पड़ता है महल हो या झोपड़ा, काम तो रहने के ही आता है ना। तस्वीर ले जाओ साहब। सर जगीरा तो कहीं नहीं है, लगता वो भाग गया। ऐसे ही दरवाजा खुला रख के सर, उसी से पूछते हैं। ओ भाई साहब, जगीरा तो नहीं है घर में? वो तो मेरे को पहले से ही पता था आपके घर पे नहीं है। अरे मालूम था तो फिर यहाँ क्यों लाया? तो आप ही ने तो कहा, आपने पूछा कि जगीरा कहाँ रहता है, उसका घर कहाँ है, तो ये जगीरा का घर है, यहाँ रहता है वो। भाई साहब हमें जगीरा चाहिए, हमें उसे मिलना है। वो तो साहब ये बात पहले बोलनी थी ना। आइए साहब चलिए। अब की बार कोई होशियारी नहीं है, अभी सीधे जगीरा के पास ले जा रहे हो तुम हमें। हाँ साहब, आपकी कोई गड़बड़ नहीं, जगीरा के पास ले जाऊंगा। आपकी अगर कोई गड़बड़ हो गई ना। फिर से गड़बड़ करने वाला है तू? अरे साहब पूरी बात तो सुन लिया करो, अभी बात खत्म भी नहीं हुई, आप झुक बीच में कूद गए। क्या करूँ यार, तुम्हारी बातें ऐसी ट्रेन की सवारी है जो चलती कम है और रुकती ज्यादा है। साहब इस बार गलती हो गई, अब से कोई गलती नहीं होगी, और अगर कोई गड़बड़ होती ना साहब, जूता और साहब मेरा। सर चल चल। Follow me. Yes. रिसेप्शन से चाबी लाने में इतना टाइम लगता है? सॉरी सर, वो चाबी अपनी जगह पे नहीं थी तो इसलिए टाइम लग गया। ठीक है, लॉकर खोलिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।